कौन है लॉरेंस बिश्नोई? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी भी जेल में बंद है। इसके क्रिमिनल चैप्टर की शुरुआत चंडीगढ़ में हुई थी। 2010 से 12 के बीच के क्रिमिनल केसेस इसके नाम पर दर्ज है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, पर उसका नेटवर्क अभी भी ऑन है, और ना ही सिर्फ ऑन बल्कि 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस बिश्नोई संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। कभी फोन का इस्तेमाल करते हुए दिखता है तो कभी जेल से ही इंटरव्यू दे देता है। इससे जेल प्रशासन सवालों के घेरों में आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई तक सारी खुफिया जानकारी कौन पहुंचा रहा है? लेकिन अब बाबा सिद्दीकी जैसी नामी हस्ती की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ले ली है। लॉरेंस गैंग के सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है। हालांकि अब इस पोस्ट की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इस हत्याकांड की वजह सिद्दीकी की अभिनेता सलमान खान से दोस्ती बताया जा रहा है। इस हत्याकांड से पहले सलमान खान के घर भी फायरिंग की गई थी। काला हिरण केस को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने कह रहा है। इसके पहले भी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की तरफ से धमकी भरे पत्र भी मिले थे, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी काफी बढ़ाई गई। अब इस पूरे केस पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड फॉलो UCN फॉर मोर सच कंटेंट।